23 मई की रात न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान रेवाड़ी के गांव ठोठवाल निवासी सीआरपीएफ के पूर्व जवान कपिल के रूप में हुई थी। 174 के तहत कार्रवाई कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन बाद में मृतक की जेब से एक सुइसाइड नोट मिलने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया और इसी सुइसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी, ससुर और साले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये सर इसको 23 तारीख को इसने रेलवे लाइन न्यू जो हमारी DRS न्यू वो है अपनी लाइन वहाँ पर नज़दीक में भट्टे हैं यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ ट्रेन के आगे आत्महत्या की थी। जो इसकी जेब में एक पर्ची मिली थी जिस पे उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, जो उस पर संपर्क किया तो वो उसके भाई का नंबर था। मौके पर आ गए थे वो और उन्होंने वहाँ अपना उसका जो है कपिल सुनब चंदगी राम अपने छोटे भाई के रूप में गांव ठोटवाल के रूप में पहचान की थी और उन्होंने बताया था कि भाई हम इसका इस अपनी पूरी तसल्ली करके जांच करके मौत के बारे में फिर पूर्ण बयान बाद में दर्ज कराएंगे। जो कल उनके मृतक के पिता श्री चंदगी राम जी हाजिर आए और उन्होंने एक लिखित दरखास्त दी जिस पर हमने उसके मृतक की वाइफ कुसुम, उसका साला अमित और उसके ससुर विनोद कुमार गांव मोड़ी कड़ीना के पास के रहने वाले उनके खिलाफ जो है मुकदमा 306/504 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी आगे तफ्तीश जारी है। जैसे भी हालात सामने आएंगे कार्रवाई अमल में। सर जवान की जेब में पर्ची भी निकली थी उसमें क्या? हाँ उसमें उसी से उसकी पहचान हुई, उसमें लिखा हुआ था उस पर्ची में छोटी पर्ची थी दो तीन नाम लिखे हुए हाँ तो उसमें लिखा हुआ था कुसुम और अमित को सजा जरूर इतना लिखा हुआ, बाकी वो फिर फटी हुई थी पर्ची आगे उसमें कुछ ही। कारण क्या रहा सर मतलब इसने आत्महत्या करी? सर वो इनका आपसी घरेलू कलह था, आपसी जो है उन्होंने बताया कि आपसी उनका घरेलू वो तो आगे अब तक 30 दो से आगे करेंगे उसमें जब सारी सत्य सारी बातें सामने आएंगी तो आपको बतला दी जाएगी। ठीक है सर।